Hello everyone, welcome to the Manubhava classes in the daily news analysis session. Today is 29th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to first of all revise the previous day session. There are some questions as given below, so we can revise that what we learned in last day session. The first question is, and those who are new on the platform, on the channel, so I request that try to answer these questions before I reply you the correct answer. So reply the answer that what is the full form of DNA. Kal last session mein humne discuss kiya tha ke DNA jo hai abhi is par koi research chal raha hai, jo genome project chal raha hai uske bare mein humne discuss kiya tha ke DNA ki kuch research ke regarding mein wo project tha. So now here you have to reply that what is the full form of DNA. A, B, C और D. इसका करेक्ट है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो डीएनए आपको पता चल गया. नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि द डीएनए कंसिस्ट ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड मॉड्यूल मॉलिक्यूल बिल्ट अप बाय फोर बेसिस. कितने बेसिस होते हैं डीएनए में? चार बेसिस के बेसिस पर यह बना होता है. तो ये कौन कौन से बेस होते हैं? ए सी टी पी या ए सी GT या ACTM या ACTB, कौन सा इसमें से होता है आप बता दीजिए. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में ACGT. ये चार बेस होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो DNA है उसका कॉम्बिनेशन तैयार होता है. ACGT में ये कौन कौन से हैं? A का मतलब हफेत है था एडेनिन, और C का मतलब साइटोसिन और गुनाइन और थायमिन. तो ये हो गए आपके पास में ACGT. ये चार बेस होते हैं डीएनए में उसका जब कंस्ट्रक्शन होता है. तो नेक्स्ट कल हमने डिस्कस किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा कि अब हम नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए और एक बड़े लेवल पर ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी लेकर के चल रहे हैं. मीन्स जितने भी नक्सल्स होंगे हम उनके साथ में फाइट करेंगे. बाकी जो नक्सलाइट्स को खत्म करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, जिसमें जैसे कि डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी हो गई, एजुकेशन की स्ट्रेटेजी हो गई, है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उस एरिया में पहुंचाना जहां पे नक्सलाइट्स हैं, रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट करना, स्कूल्स वगैरह, उन सब पे काम करना. बट एक और आइडियोलॉजी है या एक और स्ट्रेटेजी है जिसका मतलब यहाँ पर सीधा है ऑफेंसिव. मीन्स इफ नक्सलाइट्स आर टारगेटिंग द सिविलियंस और द आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोकल सिविल पुलिस, देन द गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू अटैक ऑल द नक्सलाइट्स. नाउ मीन्स अब वो उन पर अटैक करेंगे. तो नक्सलाइट्स की जो आइडियोलॉजी है इंडिया में किसको फॉलो करती है, कौन सी आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते हैं, क्या इसका जो बेस अगर हम देखें तो क्या ये माओ जेदोंग को करते हैं या कन्फ्यूशियस, ये भी चाइना का था, या बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू. देखो ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी आसानी से आप आंसर को रिप्लाई कर सकते हैं. देखो बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी कभी भी जो है वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेगी, जवाहरलाल नेहरू उनकी भी कोई आइडियोलॉजी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेगी, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा. जो कन्फ्यूशियस थे चाइना के, ये बहुत मीन्स उसके एंशियंट टाइम के एक फिलोसोफर हुआ करते थे. तो मोस्टली जो फिलोसोफर्स रहे हैं एंशियंट टाइम के वो वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे. तो रिसेंट चाइना की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें माओ जेदोंग जो थे उन्हीं की आइडियोलॉजी थी और जिसको ये नक्सलाइट्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. उन्हीं की आइडियोलॉजी में एक चीज थी कि जो पावर है, कल हमने बताया था कि पावर अराइजेस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो ये माओ जेदोंग को ही फॉलो करते हैं नक्सलाइट्स. कल हमने डिस्कस किया था नक्सलाइट्स के बारे में. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन अ फर्स्ट इन द प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट टाइम टू फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अम्यूनिशन एंड मिसाइल्स वर ओपन. मींस अब जो अम्यूनिशन है और मिसाइल है उसको इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी क्या करेगा, डेवलप करेगा. देखो तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत पीछे है अभी, अगर हम अमेरिका से, चाइना से, उनसे कंपेयर करें तो वो क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है. जबकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं अपना जो डिफेंस नीड्स है इक्विपमेंट्स की, उनको हम इंपोर्ट करते हैं. सबसे ज्यादा डेवलप माना जाता है डिफेंस सेक्टर किसका, यूएसए का.
इसके पीछे कारण है कि यूएसए की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करती है। तो इंडिया में भी इसके लिए अब क्या किया जा रहा है कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को भी डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और जो मीन्स अम्यूनिशन हो गया, राइफल्स हो गई, मिसाइल्स हो गई, उन सबके डेवलपमेंट में अब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर हम पहली बार हमारा जो ये डेवलप होने जा रहा है, तो हैदराबाद, अयोध्या, कानपुर, आगरा। देखो ये डेवलप हो रहा है आपका कानपुर में। कानपुर में एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है कि जो एशिया के सबसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं उनमें से एक होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो प्लेस की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात हमारे पास में है कि इन अ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर में ये ओपन बाय, ये कौन सी इंडस्ट्री है। ये देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था फोर्थ नंबर, सेम लाइन है, बस यहाँ पे बाय है, वहां पे इन था। तो ये कौन सी इंडस्ट्री सबसे पहले इसको कानपुर में एस्टेब्लिश कर रही है, तो आप बताइए मेरे को फटाफट से रिप्लाई कीजिए कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अडानी एरोस्पेस, रिलायंस डिफेंस, डीआरडीओ, टाटा डिफेंस इंस्टीट्यूट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज अडानी एरोस्पेस जो है ये डेवलप कर रहा है इस कानपुर वाली फैसिलिटी को। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने डिस्कस किया था मिशन उत्कर्ष के बारे में। सो नाउ यू हैव टू रिप्लाई दैट व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मिशन उत्कर्ष विद अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो किससे रिलेट करता है ये मिशन उत्कर्ष, चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल्स फ्री एजुकेशन, न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, न्यूट्रिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टूडेंट्स। देखो इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। कल हमने जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि आयुष मिनिस्ट्री के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है रिसेंटली, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में जो गर्ल्स में एनीमिया की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज मिशन उत्कर्ष, जो कि गर्ल्स में जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए काम कर रहा है, उनकी न्यूट्रिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एम ऑफ मिशन उत्कर्ष, इसका जो है एम क्या है इस मिशन का। टू कंट्रोल एनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल्स, टू अबोलिश फीमेल फेटिसाइड, टू इंक्रीज एजुकेशन अमंग गर्ल्स, टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन फॉर गर्ल्स। इनमें से क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो इसका करेक्ट आंसर है ए। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि मिशन उत्कर्ष टारगेट कर रहा है कि इंडिया में जो गर्ल्स हैं स्पेशली एडोलसेंट गर्ल्स, उनमें एनीमिया की जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ब्लड है, जो ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसको अबोलिश करने के लिए, उसे फाइट करने के लिए है मिशन उत्कर्ष। अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष, आयुष मंत्रालय का मिनिस्टर इस समय कौन है। सर्वनंद सोनोवाल, स्मृति ईरानी, एस जयशंकर, मनसुख मंडाविया, कौन इनमें से है जो इस समय आयुष के मंत्री है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अचानक से पूछ लिया है, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीके में इस तरह से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो कल जब हम आयुष मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे तो एट दैट टाइम यू शुड थिंक दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयुष मिनिस्ट्री देन हु इज द करेक्ट मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी asked by yourself that who is who. So such kind of questions can be appeared in your examination. So इसका correct answer हो जाएगा सर्वनंद सोनोवाल, ये इस समय आयुष मिनिस्टर है। चलो आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं, आज मुझे रिप्लाई करके बताओ विदाउट गूगल किए, ठीक है, और बाद में फिर आप गूगल भी कर लीजिएगा। स्मृति ईरानी कौन सी मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है, एस जयशंकर किस मीन्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, और मनसुख मंडाविया ये कौन से मंत्रालय के मिनिस्टर है। आप जो है कमेंट में रिप्लाई कीजिए, देखते हैं आपको कितना इसमें से पता है। अब हम मूव कर जाते हैं के नॉर्मल न्यूज की तरफ, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्या न्यूज हमारे पास में है, अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। लोकपाल के जो चेयरपर्सन है अभी रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं AM खानविलकर, इनको क्या किया गया है, वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द एंटी करप्शन ओम्बड्समैन दैट इज लोकपाल। एंटी करप्शन के लिए जो हमारा ओम्बड्समैन है जिसको हम कहते हैं लोकपाल, ठीक है, तो इसका अभी जो चेयरपर्सन बने हैं वो है AM खानविलकर। इसको आप लर्न करके रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। द लोकपाल हैज बीन वर्किंग विदाउट इट्स, देखो 2022 में May 27 को जो टर्म था उनका जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष का, तो इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था इस टाइम पर, लेकिन उसके बाद में
इस लोकपाल का कोई भी चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ था, तब से ये विदाउट चेयरमैन वर्क कर रहा था। उसके एक्टिंग चेयरमैन काम कर रहे थे कौन, प्रदीप कुमार मोहंती, पीके मोहंती इसके एक्टिंग चेयरपर्सन अभी भी है। इनके बाद चार्ज लेंगे कौन, एएम खानविलकर। सो कीप इट इन माइंड कि कौन इसका चार्ज लेने वाले हैं। अगर हम ओम्बड्समैन की बात करें तो व्हाट इज ओम्बड्समैन, तो ओम्बड्समैन को हम इंडिया में प्रोटेक्टर ऑफ पीपल दैट इज लोकपाल, लोक का मतलब जनता, पाल का मतलब होता है रक्षक, मींस प्रोटेक्टर। लोकायुक्त मींस पीपल्स अपॉइंटी, पीपल ने जिनको अपॉइंट किया हो ये लोकायुक्त। लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर है, नेशनल लेवल पर। लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर है। ये क्या है लोकपाल, द लोकपाल एस्टैब्लिश्ड एज ए इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो है एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल लेवल पर, जिसका काम क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स। जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो किसी भी लेवल के हो, उनके अगेंस्ट में जितना भी कोई करप्शन के अगर एलिगेशन है तो उनकी इंक्वायरी करना इसका काम है लोकपाल का। इसकी अथॉरिटी में पीएम भी शामिल है, मींस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं अगर उनके अगेंस्ट में कोई करप्शन के एलिगेशन है तो। ठीक है, तो जब पीएम शामिल है तो बाकी सारे मिनिस्टर हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस हो गए, आईआरएस हो गए, जो भी कितना भी बड़ा ऑफिसर हो उन सबके अगेंस्ट में ये इंक्वायरी कर सकते हैं। अब इसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है इस लोकपाल को या लोकायुक्त को, तो इसके लिए अलग से एक एक्ट आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। आपको पता होगा कि 2011 के आसपास में अन्ना हजारे, केजरीवाल वगैरह ये मूवमेंट चला रहे थे इसके लिए कि भाई एक लोकपाल एक्ट आना चाहिए 2011 में। तो उसके बाद 2013 में ये एक्ट आया, हालांकि उसके बाद में बहुत ज्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो है कि हाँ भाई इसका चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हो गया। एक और न्यूज की तरफ हम चलते हैं, सुदर्शन सेतु। अभी रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द सुदर्शन सेतु। ये एक क्या है, एक ब्रिज है, इसका अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, केबल्स का है ये, ठीक है, नीचे पिलर वगैरह बहुत कम है, इसको ऐसे केबल से क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है। कहाँ पर है ये, गुजरात में है। देखो यहाँ पर क्या है, द्वारका, और यहाँ पर है आपकी भेट द्वारका। ठीक है, तो इसके बीच में ओशियन रहता है। अब पहले क्या होता था कि लोग, यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है, जो बात आती है ना कि सुदामा और कृष्ण, इन दोनों की मित्रता को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो जो द्वारका है, भेट द्वारका, जहाँ पर कृष्ण और जो है सुदामा जी का जो मीटिंग जहाँ पर हुई थी, ठीक है, उसके लिए लोगों को बोट से जाना पड़ता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए बना दिया एक प्रॉपर ब्रिज, और उसका उद्घाटन भी हो गया। तो लोग अब बड़ी आसानी से विदाउट बोट इस ब्रिज के थ्रू जा सकेंगे। तो बाकी जो नॉर्मल घटनाएं हो जाती थी ना कि जो बोट्स हैं वो कैप्साइज कर जाती थी, डूब जाती थी, तो वो वाली प्रॉब्लम भी लोगों की बच जाएगी। प्लस लोग अपनी कार वगैरह से भी जा सकेंगे, है ना, तो पहले तो कार को पहले ही खड़ा करके जाना पड़ता था। चलिए, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सुदर्शन सेतु, कहाँ पर है ये, गुजरात में है, और कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है ये, और कहाँ पर है ये, अरबियन सी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्हाट डू नो अबाउट अरबियन सी, अरबियन सी इज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन का ही ये पार्ट है। द ब्रिज कनेक्ट्स भेट द्वारका को कनेक्ट करता है ओखा से, ठीक है, मेनलैंड जो ओखा है उससे कनेक्ट करता है, जो कि गुजरात की देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मींस मैं ऐसे कहूँ कि ये भेट द्वारका और इधर हो गया आपका द्वारका डिस्ट्रिक्ट, द्वारका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इसमें एक जगह है ओखा, तो इन दोनों को ये कनेक्ट कर देगा कौन, ये ब्रिज, जो केबल स्टेट ब्रिज है। ठीक है, तो ये है भेट द्वारका के बारे में अगर आप जानेंगे, तो भेट द्वारका इज एन आइलैंड नियर ओखा पोर्ट विच इज 30 किलोमीटर के आसपास है द्वारका टाउन से, जहां पर द्वारकाधीश टेम्पल भी है लॉर्ड कृष्ण का, सबसे बड़ा लॉर्ड कृष्ण का जो द्वारकाधीश नाम का जो टेम्पल है वो यहीं पर है। हालांकि द्वारकाधीश टेम्पल एक मथुरा में भी है, लेकिन मेन द्वारकाधीश टेम्पल ये यहाँ पर है गुजरात में। इसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले लोग बोट वगैरह के थ्रू जाते थे, लेकिन अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अब वो आराम से इस ब्रिज के थ्रू अपनी बाइक्स, अपनी कार्स वगैरह के थ्रू भी जा सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गूगल ने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, दैट इज डीप माइंड, ठीक है, गूगल का डीप माइंड जेनी, इसका नाम है जेनी, ये डेवलप किया है। क्या है ये, देखो गूगल डीप माइंड हैज इंट्रोड्यूस्ड, जेनी ने इसको, जेनी जो है डेवलप किया, डीप माइंड मीन्स
ये सब वो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर वर्क करते हैं। जेनी इज अ न्यू मॉडल दैट कैन जनरेट इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स, मींस इसको कमांड दीजिए आप, ये खुद से वीडियो गेम्स वगैरह बना करके दे देगा जस्ट अ टेक्स्ट और इमेज प्रॉम्प्ट के थ्रू। आपको इमेज दे दो कोई, उस इमेज को रीड कर लेगा। जैसी इमेज होगी, सपोज करो उस इमेज में आपने ओशियन को दिखाया, कुछ ह्यूमंस को दिखाया, तो उससे बस ये उसको जो है डिटेक्ट करेगा और उसके बेसिस पर कोई गेम बना करके दे देगा। जेनी इज अ फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल, ये कैसा फाउंडेशन वर्ल्ड मॉडल है कि अपनी तरह का आप एक वर्चुअल वर्ल्ड भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेंड ऑन वीडियोस फ्रॉम सोर्स फ्रॉम इंटरनेट, इसको ऐसे ट्रेन किया गया है कि खुद से ही ये वीडियोस वगैरह को डिटेक्ट कर लेता है इंटरनेट से, उनको डाउनलोड कर लेगा और अपने जो गेम डिजाइन करेगा ये उसमें यूज कर लेगा उनको। मॉडल कैन जनरेट एन एंडलेस वैरायटी ऑफ पेबल प्लेएबल एक्शन कंट्रोलेबल वर्ल्ड्स फ्रॉम सिंथेटिक इमेजेस फोटोग्राफ्स एंड इवन स्केचेस, इन सबको खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है, इमेज हो, फोटोग्राफ्स हो, स्केचेज हो, वीडियोज हो, उन सबको डिटेक्ट कर लेता है और उन्हीं के बेसिस पर खुद से अपने आप क्या कर देगा, ये कोई मूवी जैसी बना करके आपको दे देगा और वो भी क्या आपको गेम बना करके दे देगा, वीडियो गेम। मींस तो एक तरह से जो वीडियो गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड ही तो होते हैं। आप उसमें जैसे वाइस सिटी आया करता था, पबजी है, उसमें आप कार ले सकते हैं, है ना, आप उसमें गन ले सकते हैं, आप उसमें गन की रिपेयर के लिए मटेरियल ले सकते हैं, है ना, मेडिसिन ले सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं, वो सब। तो वैसे ही ये भी डेवलप करेगा। तो जेनी कैन बी प्रॉम्प्टेड टू डाइवर्स सेट ऑफ इंटरैक्टिव एंड कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट्स, ये अपनी तरह की वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकता है, इसका यही मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इससे बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि आप नए नए एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, नए वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ये बड़ा ही एक मींस जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको डिजाइन करने में बड़ा रोल ये प्ले करने वाला है। इकोसाइट क्या है, इकोसाइट, इकोसाइट को जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नो सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फ्रेटरीसाइट, फ्रेटरीसाइट मींस क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ठीक है, आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेंगे अगर आप बहुत अच्छे से कीवर्ड्स को अगर कैच करोगे तो। फ्रेटरीसाइट क्या होता है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। मैट्रीसाइट, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ये मैरिटीसाइट है ये, और ये है मैट्रीसाइट। देखो मैरिटीसाइट और मैट्रीसाइट, किलिंग ऑफ वंस मदर, और फेलिसाइट इसका मतलब है किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड। जैसे ये वर्ड्स हैं और ये सब क्या है, अपने आप में क्राइम्स हैं, ऑल दीज आर क्राइम्स। सो नाउ यहां एक बात आ रही है किसकी, इकोसाइट की, भाई इकोसाइट क्या है। तो इकोसाइट क्या है, इट मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट बाय डेलिबरेट एंड नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्शन। मींस आप जानबूझ करके नेग्लिजेंटली या डेलिबरेटली अगर जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको नष्ट कर रहे हो, उसको हार्म कर रहे हो, तो ऐसे क्राइम को हम कहेंगे इकोसाइड। आपको क्या लगता है कि इकोसाइड को भी अब क्राइम में इंक्लूड किया जाना चाहिए, बिकॉज जब नेचर नहीं रहेगा, जो इकोलॉजिकल बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो पूरे वर्ल्ड में बहुत दिक्कत आ जाएगी। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो इन अदर वर्ड्स इट मींस अनलॉफुल और वांटन एक्ट्स कमिटेड विद नॉलेज दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल लाइक्लीहुड ऑफ सीवियर एंड ईदर वाइडस्प्रेड और लॉन्ग टर्म डैमेज टू द एनवायरमेंटल बीइंग। तो जो एनवायरनमेंट है वो भी अपने आप में हम कह सकते हैं कि वो भी एक पर्सनालिटी अपनी रखता है। तो अगर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में कोई एक्ट हो रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि वो इकोसाइड है। रिसेंटली हुआ क्या है कि जो बेल्जियम है वो यूरोप का ऐसा एकमात्र कंट्री अभी तक बन गया है, फर्स्ट कंट्री इन यूरोप, कि उसने इकोसाइड को एक क्राइम बना दिया है, इंटरनेशनल क्राइम जो है के लेवल पर उसने उसको पहुंचा दिया है। जैसे पनिशमेंट मिलता है आपको किसी के मर्डर करने के लिए, रेप करने के लिए, चोरी करने के लिए, वैसे ही आप पनिशमेंट मिला करेंगे इकोसाइड के लिए, ये बेल्जियम ने कर दिया है। टर्म इकोसाइड की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था आर्थर गैल्स्टन, इन्होंने इस टर्म को यूज किया था इकोसाइड को, ठीक है। ऐसे टर्म्स को कई बार पूछ लिया जाता है, सो नो अबाउट दिस, दैट इज इकोसाइड। इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया में इकोसाइड पर कोई अभी पनिशमेंट है, नहीं, इट इज हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम, अभी तक कन्वेंशनल सेंस में इसको क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए वहां कंपनसेशन वगैरह जैसी स्कीम है, जो आपको पता होगा कि जो NGT है हमारे यहाँ इंडिया में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इसको लेकर के बहुत सारे केसेस इसके चलती रहते हैं, वो अपने डिसीजन देता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में है एक जो है स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024, क्या है ये, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी नाटो की, और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है नाटो की
कब के बाद? कोल्ड वॉर एरा जो था उसके बाद से। तो इट मींस ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। 90,000 इसमें जो फोर्सेस के जवान वगैरह है वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 31 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और नाटो का पार्टनर स्वीडन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इट मींस टोटल 32 मेंबर इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस समय करंटली जो नाटो है उसमें अभी कितने मेंबर है, 31। जब स्वीडन इसको ज्वाइन कर लेगा तो 32 हो जाएंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा हम नाटो के बारे में, की पॉइंट्स अबाउट नाटो। क्या है नाटो? नाटो इज अ सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 31 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। सारे के सारे कंट्री यहाँ से हैं। 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सेफगार्ड द एलीज फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस, कि जो इसके मेंबर्स हैं उनकी जो फ्रीडम है, उनकी सिक्योरिटी है, उसको गाइड करना है, और उसके लिए वो पॉलिटिकल मींस का भी यूज कर सकते हैं और मिलिट्री मींस का भी यूज कर सकते हैं। इसका जो नेटो का जो मेन प्रिंसिपल है वो है कलेक्टिव डिफेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव डिफेंस? मींस ये 31 मेंबर्स हैं, इनमें से अगर किसी भी एक मेंबर पर कोई बाहरी कंट्री, एक्सटर्नल पावर अगर इस पर अटैक करता है, ठीक है, तो जो नेटो का चार्टर है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि इसके मेंबर्स में से किसी एक मेंबर पर अटैक हुआ, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो सारे के सारे मेंबर्स पर अटैक हुआ है, और वो ऑल द मेंबर्स विल रिटेलिएट अगेंस्ट दैट अटैकर। तो सारे मेंबर उसके अगेंस्ट में अटैक करेंगे और फाइट करेंगे, ये कहता है इसका आर्टिकल 5, जो कि वाशिंगटन ट्रीटी। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नाटो है वो कौन सी ट्रीटी के थ्रू आया था? ये आया था वाशिंगटन ट्रीटी के थ्रू। इसका लीडर कौन है? यूएसए है, और इसी पर इसका सारा का सारा काम चलता है कि अ प्रॉमिस ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कि हम सब मिलकर के डिफेंड करेंगे। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो? दैट इज ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में है, ठीक है। अब अगर इसके कुछ और अदर करंट फैक्ट की हम बात करें, तो स्वीडन ये अभी इसको ज्वाइन करने जा रहा है, तो अगर स्वीडन इसको ज्वाइन कर लेता है तो 32 मेंबर हो जाएंगे। इससे पहले रिसेंटली सबसे लास्ट मेंबर हुआ था हंगरी, हंगरी ने ज्वाइन किया था इसको एज ए 31st मेंबर। सो कैन आई आस्क यू इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? हंगरी किस कॉन्टिनेंट में आता है ये भी आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धीरे धीरे आप जब हमसे कनेक्टेड रहेंगे और डेली का डेली न्यूज एनालिसिस आप सुनते रहेंगे, तो आपका जो करंट अफेयर है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, आपकी ज्योग्राफी है, मैपिंग है, वो धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपको कभी भी क्वेश्चन का रिप्लाई करने से पीछे नहीं रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप राइट करेंगे तो वो फैक्ट, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, वो आपकी हार्ड डिस्क में चला जाएगा। जब आप केवल उसको सुन लेते हैं तो वो रैम में रहता है, कंप्यूटर की रैम होती है ना। तो आपको क्या करना है, मींस पार्टिसिपेट करना है इस सेशन को, जो डीएनए का हमारा सेशन होता है। हम नहीं चाहते कि ये वन वे कम्युनिकेशन रहे, बस इधर से हम बोले और आपसे कुछ भी ना पूछा जाए। तो हमारा मेन पर्पज यहाँ पर ये भी है कि आप डीएनए में इधर से जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप उधर से क्या करें, हमको रिप्लाई करें, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जो टीचिंग है, जो रीडिंग है, जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो कीप इट अप टू मेक इट अ टू वे कम्युनिकेशन एंड डेलिबरेटली पार्ट इन द डिस्कशन। And now we are going to end today's session. So, goodbye everyone. Thank you very much. Take care.